हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएस गेमर्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट का एक बेस्ट सेटिंग जो होती है कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ पर आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे कि वहाँ पर फ्लैट जगह रहता है, उसमें अपना जो भी क्रिएटिविटी होते है वो दिखाते हैं। वैसे ही जगह में यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बढ़ता हूँ वीडियो की तरफ। यहाँ प्ले वाले ऑप्शन में सबसे पहले आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ क्रिएटिव के ऑप्शन में है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ जाके सेटिंग अपना सब कुछ देख लेता हूँ कि ये सेटिंग नॉर्मल है कि नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ सेटिंग सारी के सारे चेक कर लेता हूँ ये नॉर्मल से कि नहीं है। मैं यहाँ पर जैसा वर्ल्ड होता है पहले वो वर्ल्ड आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ, जैसे कि ओवर वर्ल्ड होता है जिस तरह से, वैसा वर्ल्ड मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लोडिंग होने दीजिए, फिर मैं ये वर्ल्ड को छिड़कानी नहीं करूँगा, फिर मैं अलग से वर्ल्ड बनाऊँगा। आप लोग देख सकते हैं जैसा ओवर वर्ल्ड होता है सेम वैसा ही है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ क्रिएटिव करके ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ मैं ये सेटिंग में जा रहा हूँ, यहाँ क्रिएटिव करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्रिएटिव, हाँ ठीक है। और ये वाला यहाँ आप लोग देख सकते हैं इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ये वाला इन्फिनिटी वर्ल्ड है, ठीक ना। उसके बाद मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ सेव स्क्विट इन्फिनिटी। अभी मैं आप लोगों को फ्लैट वर्ल्ड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ क्रिएटिव में क्लिक करना होगा आप लोगों को। फिर से यहाँ पर ये माई वर्ल्ड आप लोगों को देख सकते हैं 1.4 MB। ये आप लोगों को याद रखना कि मैं ये फेक वीडियो तो वैसे बना नहीं रहा हूँ, ये तो मैं आप लोगों को एकदम बिना पॉज के एकदम लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पर एडवांस में जाता हूँ। एडवांस में यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन में ही आप लोग को मिल जाएगा फ्लैट मोड का ऑप्शन, सीट्स के नीचे वाला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सीट्स के नीचे वाला फ्लैट मोड को ऑन कर देना है। ये सीट्स आया, सीट्स भी चेंज करते हैं अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स खेलते हो माइनक्राफ्ट, तो उसके लॉगिन करते समय सीट्स ये डालेंगे तो आपका वर्ल्ड वो खेल सकते हैं ऑफलाइन भी। उसके बाद मैं यहाँ सबसे पहले क्रिएट मिट क्लिक कर दिया। क्रिएट मिट क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने देते हैं इसको। ये हो गई है मेरे लोडिंग। अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो यूट्यूबर्स बनाते हैं अपने क्रिएटिविटी जो भी दिखाते हैं इस वीडियोस के माध्यम से, तो यहाँ पर ये सर्वाइवल है। मैं क्रिएटिव करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ ये ओपन हो गई, आप लोग सोचते हैं यहाँ सिर्फ एनिमल्स है, ना ट्री है ना कोई, मैं थोड़ा आगे जाके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ना यहाँ ट्री है ना कोई विलेज है ना कोई जॉम्बीज है, यहाँ सिर्फ एनिमल्स। जॉम्बीज तो होंगे ही 100% मेरा है, अभी तो नाइट ट्री नहीं है, ये जॉम्बी है। और मैं एक खास बात आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ये ब्लॉक जो होता है ना, ये 3 ब्लॉक का होता है, 1, 2 एंड 3। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बेडरॉक वाला ब्लॉक, ठीक। उसके बाद आगे मैं यहाँ पर ये इसके अंदर जाके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 1, 2, 3, ये सभी जगह वो सही है। आप लोग ये सीढ़ी बन गई है, अंदर जाने के मैं गिर गया। फिर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, मैं बाद में निकल के दिखाऊँगा आप लोगों को। मैं सबसे पहले यहाँ पर निकलने का कोशिश करता हूँ। बस वीडियो आज के लिए बस इतना ही। मैं आज आप लोगों को बस यही बेस्ट सेटिंग बताने वाला था कि ये माइनक्राफ्ट में फ्लैट कैसे होते हैं। मैं यहाँ पर बाहर निकल गया हूँ। बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, गुड बाय।